सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, क्यूज है आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क ड्रैगन हंटर सीजन 3 का। सो गाइस, ड्रैगन हंटर सीजन 3 का पिछला जो एपिसोड था, जो कि हम लोग द आइलैंड पे एक एक्सपेंशन वाला अपग्रेडेड वाला मैप आइलैंड का डाल के खेल रहे थे, लेकिन उसमें दिक्कत ये हो गई कि उसमें कोई भी बॉस जो है ना वो स्पॉन नहीं हो रहा था। एंड उस रीजन से हम लोग को जो है ना गाइस उस मैप को वहीं पे दो एंड करना पड़ा। एंड उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे ड्रैगन हंटर सीजन 3 को जो है ना गाइस लेके आ चुका हूँ क्रिस्टलाइज मैप पे। और यहाँ पे हम लोग जो है ना गाइस मचाने वाले एकदम फुल्ड भाई ना मेरे भाई। सो गाइस अभी आज का ये जो हमारा एपिसोड है ना गाइस ड्रैगन हंटर सीजन 3 का, वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा गाइस गेमिंग विद। एक मिनट रुक जाओ, ये क्या है भाई? अरे गाइस, एक क्यूट सा प्यारा सा रेड पांडा। ओके, यहाँ पे गाइस एक रेड पांडा भी आ चुका है, इसको देख लेते हैं। तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग विद आने के चैनल का लिंक है, उनके चैनल को भी जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। और हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है गाइस वो अनलॉक है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में जो थैंक्स का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आपको आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने, तो नीचे निट्राडो का लिंक है जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो। तो जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो गाइस अभी आज का ये वाला जो एपिसोड है ना गाइस वो हम लोग शुरू कर डालते हैं। और मैं सबसे पहले तो एक स्पाइकलास बनाता हूँ, क्योंकि जो क्यूट सा रेड पांडा दिखा था ना वहाँ पे गाइस, मेरे को उस रेड पांडा को टेम करने का है गाइस। ठीक है, अभी उसको टेम करने के लिए कौन सा फूड उस भाई को खिलाना है इसका मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और उसी के लिए हम लोग जो है ना गाइस अभी यहाँ पे, अच्छा इस क्रिस्टल को नहीं तोड़ सकते हम लोग, कौन से क्रिस्टल को, बड़े वाले इसको भाई। तो आज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस क्रिस्टल को तोड़ के एक स्पाई ग्लास बना लेते हैं भाई। ठीक है, अरे यार मुझे किसी का तो हत्याकांड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाइट भी तो चाहिए होगा। यस गाइस, हमारी जर्नी जो है ड्रैगन हंटर में, अभी यहाँ पे भी क्यूट भाई, वहाँ पे एक स्पाइन हुई भाई, ये देखो भाई प्यारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्यूट सा रेड पांडा, कितना क्यूट लग रहा है भाई, देखना भाई ये ऑर्डर की तरह लग रहा है यार मेरे को तो। रुको गाइस, मैं ना एक स्पाइकलास लेके आता हूँ, अबे एक मिनट रुक जाओ, उसके ऊपर लिख के आ रहा है क्या, मतलब क्या खा रहा है ये, क्या पता कुछ कुछ डायनो के ऊपर ना लिख के आता है टेमिंग फूड, नहीं डायरेक्टली लिख के आ रहा है कि टेमिंग फूड जो है वो लास्ट स्लॉट में डाल दो तब जाके भाई टेम हो जाएगा। एक काम कर लूँ क्या, और क्यूट सा पांडा है ना ये रेड पांडा, बेरी खाएगा ये पता नहीं, चलो मैं जाके उसको बेरी खिला के देख लेता हूँ, अगर खाया तो गाइस मजे ही मजे हो जाएंगे। ठीक है, वो खा तो रहा, एक मिनट रुक जाओ, फीड फीड फीड, अरे भाई साहब दूरी पाने गाइस यहाँ पे एक क्यूट सा नंदा, वो देखो ऊपर ऑर्डर का सिंबल लिख के आ रहा है और ये ऑर्डर ही है चलो, लेकिन काफ़ी क्यूट लग रहा है यार, पांडा है भाई ये, मतलब ऑर्डर को पांडा में कन्वर्ट कर दिया गया है। देखो गाइस इसके लंबे लंबे ऑर्डर की तरह दांत है, बट इसके कान वगैरह और फर वाली बॉडी जो है ना वो एकदम भाई रेड पांडा की तरह है भाई, मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा। मैं ना गाइस जैसे और भाई थोड़े से पांडा जो ना गाइस वो पकड़ूंगा अलग अलग कलर के, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और डार्क रेड कलर का पांडा शायद से दिखा था, वो रहा क्या ना, वो तो जेरबुआ है, वो ये रहा, ये कौन से कलर का है, वो येल्लो येल्लो डर्टी फिल्लो गाइस, नहीं रेड है क्या, अच्छा दूर से येल्लो दिख रहा था, नहीं ये ऑरेंज टाइप है थोड़ा सा भाई। ठीक है, मैं इसको भी पकड़ ली, ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको हम लोग अभी नहीं पकड़ सकते हैं ठीक है, क्योंकि गाइस इसको भी हंगरी होने में टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। चलो कोई ना, एक काम कर लूँ क्या, नहीं रेड पांडा को नहीं मारना यार, मेरे को पांडा चाहिए भाई, मैं उसको मार के हाइट तो ले सकता हूँ बट नहीं भाई नहीं लेना है, जेरबुआ को मार देता हूँ ना, अबे ये तो अपना पेंटर जेरबुआ है, आ जा भाई, अरे दोनों को तो मैं कंधे पे नहीं रख सकता ना, एक मिनट रुक जाओ, हाँ रुक जा भाई, वही वही बाद में कर ले, इधर आ जा पहले, मेरे को इसको ना क्रायो करने दो गाइस। ठीक है भाई, अपना पेंटर जेरबुआ जो है इसको क्रायो कर लेते हैं, अपने सारे डायनोज रिटर्न आ रहे हैं गाइस, जो भी हम लोगों ने गवा दिए थे पिछले वाले सीरीज में पिछले वाले मैप पे भाई। ठीक है, रुको मुझे यहाँ पे अभी कुछ अपने लिए जो है ना गाइस शिकार चाहिए, जिसको मार के मैं हाइड इकट्ठा कर सकूँ, ताकि मेरे को स्पाई ग्लास बनानी ना तो स्पाई ग्लास बना पाऊँ मैं। ठीक है, वो यहाँ पे भी गाइस एक रेड पांडा है,
जिसका कलर एकदम फुल 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 एकदम पिंक पिंक टाइप का है भाई, इसको भी पकड़ लिया मैंने। नहीं ये और ये सेम कलर है क्या? हाँ गाइस 112 लेवल है। तू कितना लेवल है ब्रो? 149। ये तुम दोनों का कलर सेम है बराबर, ये देखो तुम दोनों का कलर सेम है ना, तो तुम दोनों में से मैं एक को भाई पेलम पाल दे देता हूँ, ठीक है चल जाएगा ना? क्योंकि गाइस मेरे को हाइड चाहिए ना यार, तो एक को मरना पड़ेगा। शौली बाबू हम शौली, अबे मार रहा है पांडा भाई इसकी आग, अबे मारता है पांडा के बच्चे है। ओए अरे मेरे पांडा मारना तू भी। अबे पांडा की हेल्थ कितनी है, भाग रहा भाई इसकी आग। अबे रुक जा, सॉरी पांडा, हम शौली भाई नन्नी सी जान को मार रहा होगा इसमें यहाँ पे, बट क्या करे मेरे पास और कोई भाई चॉइस ही नहीं है। अबे मरना, अबे क्या खा के भाई यहाँ पे पैदा हुआ है, मरने का नाम ही नहीं ले रहा भाई इसकी आग। वो मर गया, चलो फाइनली आई एम सॉरी। अरे यार इससे तो हाइड ही नहीं मिला, मैंने एक मासूम सी नन्नी सी जान को फोकट में मार दिया गाइस। अरे कहाँ पेड़ूंगा मैं अपने बाप गाइस को, अभी तो पहला फ्लैग के लिए मेरे को ना, रुक जाओ यार कहाँ से मैं भाई यहाँ पे हाइड इकट्ठा करूँ। हाइड इकट्ठा करने के लिए कोई डाइनो तो दिखना चाहिए यार, उस स्पाइनो, लेकिन उस स्पाइडर को मैं मार नहीं पाऊंगा ना चिड़ से अपने, कोई तो प्रॉब्लम है यार। अपना रेड रेड, अबे ये रेड कलर का एक और भाई डार्क रेड कलर का पांडा आ गया भाई, ठीक है भाई रुको भाई इसको भी क्रैव कर लेता हूँ। रुक जा भाई, अबे रुक जा भाई ब्रो ब्रो ब्रो, रुक जा ब्रो रुक जा, इधर आ जा इधर आ जा। आज तो तुम्हारा भाई गाइस पांडा आर्मी बनाएगा, क्यूट क्यूट से पांडा आर्मी भाई, ठीक है रुको। अबे यार प्यास लगी है मुझे, रुक जाओ गाइस मुझे जाके खाना खाने दो भाई। स्पाइकलाज जो है ना गाइस जो बाद में बनाओ क्या, पहले अपने लिए गाइस घर बनाने का काम कर लेते ना यार हम लोग, क्या बोलते हो गाइस? स्पाइकलाज तो हम लोग, अबे खाना भी चाहिए क्या भाई? मीट वगैरह तो है बट अभी वो कच्चा है भाई। अरे एफएम के वाला पोशन बना लेना यार डायरेक्टली, इतना क्यों तुड़ुक जाम करना। चलो गाइस भाई एफएम के वाले पोशन है ना अपने पास भाई, टेंशन नहीं लेने का। रुको भाई ये तो ऑरेंज वाला है ना, हाँ ये लो इसको भी टेम कर लिया भाई तुम्हारा भाई। भाई अभी क्यूट सी पांडा आर्मी बना रहा है, क्यूट सी, देखो इसके ऊपर ऑर्डर का सिंबल आ रहा है, ऑर्डर का सिंबल आ रहा है भाई इसके ऊपर। इधर आ जा भाई तू, ऑरेंज कलर का पांडा। रुको गाइस मुझे जो ना यहाँ पे हाइड चाहिए होगा, तो हाइड के लिए मैं कोई छोटा सा डोडो वगैरह ऐसा ही डायनो ढूंढ रहा हूँ भाई। यहाँ पे बस पांडे पांडे दिख रहे भाई, मिनी टाइटन, हेलो चुटकू टाइटन गाइस, ये देखना ये देखना, यहाँ पे गाइस एक छोटू सा नन्ना सा टाइटन का बच्चा या मिनी टाइटन है ब्रो। हेलो हाउ आर यू ब्रो, हाउ आर यू, क्या हाल चाल? एक ग्लोटेल है गाइस, क्या ग्लोटेल मेजोबेरी से टेम होगी? मुझे लग रहा है इसको मीट खिलाना पड़ेगा जितना मेरे को लग रहा। फूड फूड इन लास्ट लॉर्ड भाई, ये कुक्ड मीट खाती है मेरे को लग रहा है गाइस। टू ड्रॉ मीट भाई, वेट अंटिल इट्स गेट हंगरी, ठीक है गाइस भाई चलो गाइस एक ग्लोटेल को तो पकड़ लेंगे जिससे हम लोग जाके किसी को मार पाए। और सामने की तरफ एक, अरे यार वो क्यूट पांडे दिखाई दे रहे मेरे को, एक फेदर लाइट भी है वहाँ पे गाइस, मैं ग्लोटेल को पकड़ लूँगा गाइस, ठीक है भाई। ग्लोट भाई फीड, भाई फीड का ऑप्शन लगातार आ रहा है क्या भाई? ये तो अभी टेम हो जाएगी भाई, रुको 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 गाइस, ये तो टेम हो जाएगी, मजे ही मजे हो जाएंगे गाइस अपने भाई। हो जा टेम, 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 हो जा टेम भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। वो ये जब हंगरी इसका फूड बार 1% उतरेगा ना, तो तुरंत इसको फीड का ऑप्शन आ जाएगा ऐसा मेरे को लग रहा, ठीक है देखते चलो जाके फिर वो ब्रायनिक्स की बैंड बजाते। ओके ये गाइस हम लोग ने ग्लोटेल टेम कर लिया भाई, ठीक है ये इसके ऊपर बैठ भी गया मैं। अब भाई साहब ओए होए होए होए, इसके पास कोई अटैक बिटैक नहीं होगा भाई, अपने बेसिक से अटैक, ठीक है ये देखो यस बस अपने बेसिक से अटैक है गाइस इसके पास। रुक जाओ मुझे थोड़ी सी इसकी लेवल अप करने दो, ठीक है भाई। टाइटन कुछ ज़्यादा ही लाड में आ रहा है क्या, व्यू व्यू करके चिल्ला रहा है, लेवल अप नहीं कर सकता? अब यार लेवल अप क्यों नहीं हो रही है? मारना पड़ेगा ना, या तो पेड़ पौधे से तोड़ने पड़ेंगे तब कहीं पे जाके लेवल अप होगी। वैसे मैं भाई यहाँ पे पापा का परा बन के उड़ भी सकता हूँ इस ग्लोटेल की मदद से, ये लेट्स गो भाई। मशॉप अभी जाके मिल रहा है, बताओ मशॉप उल्टा रिटर्न मार, अबे तेरी भी इसकी ये कोई मामूली मशॉप नहीं लग रहा है मुझे भाई, रिटर्न गिफ्ट दे रहा है मेरे को। चलो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे स्पाई ग्लास तो बना ली, हाइड ये ले भाई ये लो गाइस, अपनी स्पाई ग्लास जो है ना गाइस वो बन के रेडी है। और अभी हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे टाइटन किल कितने 65,000 है, और वो टाइटन का 31,000 ओनली टॉर्पर हो रहा है, अगर मैं चाहूँ तो उसको टेम कर सकता हूँ। वाह भाई वाह, रुको की वेज की डेट ज़्यादा लाड में आ रहा है ना गाइस, अब भी डिक करके देता ब्रदर, अब भी डिक करके देता। रुको ना मेरी ग्लोटेल किसी से कम है के ना, मेरी ग्लोटेल को कम समझ रखा है क्या इसने?
चीज को बेल देता था। चल बेटा चल कल 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 आना कल, ठीक है चल आ जाओ गाइज आ जाओ फटाफट से। अभी जो ना हम लोग हमारे घर बनाने के लिए एक छोटी सी जो ना जगह बना लेते यहाँ पे, ठीक है। मेरे को ना रेड पांडा और दो तीन पकड़ने, लेकिन मैं फ्यूचर में पकड़ लूंगा। अभी फिलहाल के लिए अपने लिए घर बनाना, स्मिदी फोर्ज वगैरह बनाना ज्यादा जरूरी है। ओके ओए रात उदय गई जिसने अपना, भाई रात नहीं हुई एक्चुअली में बारिश होने वाली है। सो तुरंत ही गई जिसने ना यहाँ पे, ओ बारिश भी नहीं हुई है, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा हो गया है, तो इसने ना अपनी लाइट बत्ती चालू कर दी गई, ठीक है। मैं आपको अब आपको इसकी बत्ती दिखाता भाई, ठीक है टर्न ऑन। अभी वापस चालू हो गई क्या? अच्छा बंद थी तो आवाज़ किस चीज़ का आया था? ओ वो बंद हो गई थी उस चीज़ का आवाज़ आया था गाइस, ठीक है ठीक है ठीक है। रेड पांडू रॉमिड भी खाता है क्या? रॉमिड खा के भी टेम हो गया भाई ये रेड पांडा, ठीक है रुको मैं इसको भी क्राय कर लेता हूँ यहाँ पे फटाफट से, फिर हम लोग हमारा घर जो है ना गाइस वो बनाने का काम यहाँ पे चालू कर देंगे, ठीक है रुको गाइस मेरे को फटाफट से गाइस यहाँ पे एक छोटू सा घर बनाना है। पिछले बार अपना ड्रैगन हंटर में एक कैसल था, अमीरों वाली फीलिंग आ रही थी, बट इस बार ड्रैगन हंटर में हम लोग जो है ना खुले में झोपड़े में रहने वाले हैं, ठीक है। अमीरों वाली फीलिंग जो ना गाइस वो गायब, टाटा बाय बाय गुड बाय गाइस, ठीक है हम लोग यहीं पे रहने वाले एकदम छोटू से नन्हे से मुन्ने से झोपड़े में जी, झोपड़े में रहेंगे हमें। यहाँ पे मैं चाहूँ तो घर भी बना सकता हूँ यार, क्या बोलते हो? हाँ घर बनाने के लिए, लेकिन मुझे काफ़ी सारा जो है ना गाइस सामान यहाँ पे इकट्ठा करना पड़ेगा, वो बात तो सही है। और घर बनाने के लिए मुझे, रुको एक काम कर लेता हूँ ना गाइस, रुको हम लोग घर ही बना लेंगे यार अपने लिए खूबसूरत सा, ठीक है गाइस। क्योंकि भाई हमेशा मैं क्रिस्टलाइज में जो ना ऐसा खुले में ही सोता हूँ, ठीक है। तो इस बार गाइस हम लोग अच्छा सा घर बनाएंगे, एंड उसके बाद उसी के ऊपर जो है ना गाइस मतलब उसी में भाई अपने सारे के सारे इक्विपमेंट वगैरह लगाएंगे। रुको मैं पहले घर बनाने के लिए मुझे काफ़ी सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करने पड़ेंगे, एंड वो रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा पहली बात तो एक अपग्रेड स्टेशन, जिसमें मैं अपने टूल्स को अपग्रेड कर सकूँ। ओके सो क्या नाम, एक मेटल चाहिए होगा मुझे, रुको मैं सामने से मेटल लेके आ जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चल ग्लोडेल भाई उड़ के चलना उड़ के, वैसे इसकी लेवल अप अगर थोड़ी सी और बढ़ जाए ना तो ये भाई काफ़ी तगड़ा वाला डैमेज दे देगी। वैसे इसके का इसे पैर और पूछ वगैरह आप देख ही सकते हो किस तरीके से ग्लो कर रहे हैं, भाई इसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है। वो कौन सा वाला स्पाइनो है जो मेरे घर के आजू बाजू घूम रहा है? एक स्पाइनो है, ठीक है भाई एक स्पाइनो में मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको मारना चाहे तो भाई मार भी सकते हैं हम लोग वैसे, क्योंकि उसकी हेल्थ जो है ना वो मेरे हिसाब से उतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं है, ठीक है। गाइस उस स्पाइनो का मैं सोच रहा हूँ गेम बजा डालो एकदम मस्त बेकी, जाके थोड़ा सा हाइट जो है गाइस वो तो भाई हम लोग को मिल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेटल वगैरह भी इकट्ठा कर लेता हूँ मैं, ताकि इससे स्मिदी जो है ना गाइस वो हम लोग बना सके, ठीक है भाई। कितना टाइम लगेगा एक मेटल का पत्थर ढूंढने के लिए? लग रहा है मुझे टूल्स को अपग्रेड करके लेके आना पड़ेगा। चलो पहले तो गाइस इस स्पाइनो का गेम बजा देता हूँ मैं, ठीक है। ये स्पाइनो जो है ना गाइस अपने घर के आजू बाजू, अरे मारना मुश्किल नहीं है भाई, मार देंगे नो प्रॉब्लम। ना हमारी ग्लोडेल किसी से कम है गे हैं, ना हमारी ग्लोडेल किसी से कम है क्या? बाय बाय ब्रो, बाय बाय स्पाइनो, सी यू नेवर, निकल पहली सुरसत में ब्रो निकल। चलो हाइड मिल गया मेरे को गाइस, ठीक है अभी चल के मैं अपग्रेड स्टेशन बनाता हूँ। और घर बनाने के लिए मुझे काफ़ी सारा स्टोन, काफ़ी सारा वुड चाहिए होगा, वो सब कुछ गाइस हम लोग एक एक करके यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। अभी मैं थोड़ी एक फोर्ज भी लगा के रखता हूँ, जब तक हम लोग वुड एंड स्टोन इकट्ठा करेंगे तब तक जो है ना गाइस उस फोर्ज के अंदर मेटल पिघल जाएगा, जिससे हम लोग स्मिदी बना लेंगे गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पे घर बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे पानी भी है, तो यहाँ पे मैं अपना वो क्या बोलते हैं उसको, फार्म जो है गाइस वो भी बना सकता हूँ गाइस, ठीक है। चलो यहाँ पे लैंड कर दो, रुक जाओ गाइस मुझे यहाँ पे एक अपग्रेड स्टेशन बनाने दो लाइक दिस। उसके बाद हम लोग गाइस यहाँ पे बना लेंगे एक ब्लूप्रिंट स्टेशन, उसके बाद बना लेंगे गाइस एक फोर्ज, जिसके अंदर हमारा मेटल जो है गाइस वो कंटिन्यूस पिघलते रहेगा, ठीक है। और थोड़े से बॉक्सेस जिसके अंदर हम लोग भाई थोड़े रिसोर्सेज जो है हमारे वो रखने वाले हैं लगा के, ठीक है। सो अभी यहाँ पर टाइम आ चुका है इन टूल्स को अपग्रेड करने का। चलो गाइज वापस से स्टार्टिंग से सब कुछ भाई रिपीट करना पड़ रहा है, बट क्या करें यार। चलो अभी यहाँ पे इस तरीके से बक्से लगा देंगे हम लोग, दो बक्से लगा दिए। अभी हम लोग जो है ना गाइज यहाँ पे या अपने जो वेपन्स और एक क्लब ले लेता होगा इस, ठीक है, क्योंकि भाई डायनोज को नॉकआउट करने के लिए अभी फिलहाल के लिए अपने पास एक क्लब ही है, ठीक है। सो एक क्लब ले लिया। अभी यहाँ पे सारे की सारी चीज़ें डाल के मैं इन टूल्स को जो है ना गाइस असेंडेड बना देता हूँ। ओके
ये हो गया गाइस हमारा, ये वाले सारे के सारे टूर्स जो है ना गाइस वो असेंडेड हो चुके हैं। वैसे ये वाला मैप जो है ना गाइस इतना खतरनाक नहीं है जितना गाइस आइलैंड वाला मैप था भाई। आइलैंड वाला मैप कितना ज्यादा खूबसूरत था भाई, बट अफसोस गाइस वो ग्लिची मैप निकला। लगाया था वैसे मेरे को स्टार्टिंग से कि इस पे भाई डायनो स्पॉन हो पाएंगे कि नहीं, और वैसे कुछ हुआ गाइस स्पॉन ही नहीं हुआ भाई। चलो कोई ना, अभी हम लोग यहाँ पे फटाफट से बना लेते हैं उन आइटम्स को जिनका हम लोग ने ब्लूप्रिंट बना लिया है, और चल के जो ना गाइस मैं भर भर के वुड एंड स्टोन जो ना गाइस वो इकट्ठा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे अगले एपिसोड में हमारे लिए खूबसूरत सा जो घर है ना गाइस वो बना सके। और अगर हो सका ना तो अगले एपिसोड में एक ऐसा डायनो भी मैं टेम करूंगा जो मुझे बेरी दे सके, क्योंकि आपको बताइए गाइस इस मॉड में बेरी जो है ना गाइस उससे हम लोग कितनी ज्यादा पावरफुल वाली ट्रैंक एरो बना सकते हैं नार्को बेरी से, बट उसके लिए हमको काफी सारी नार्को बेरी चाहिए होगी। मेरे इन्वेंटरी में स्टोन तो आ पाएगा ना, इतना आ जाएगा शायद से। चलो गाइज तो अभी मैं फटाफट से यहाँ पे भर भर के स्टोन एंड गाइज जो अपना वुड है गाइज वो इकट्ठा करता हूँ, एंड जैसे मेरे पास काफी सारा स्टोन एंड वुड इकट्ठा करते करते ना मैं एक और काम करूंगा, घर बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है ना वो भी लगातार साथ में बनाते रहूंगा मैं, ठीक है। तो जैसे गाइज सारी चीजें बन के हो जाएंगी वैसे गाइज मैं आपसे मिलता हूँ भाई, ठीक है। चलो मैं आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चला देता हूँ ये सारा का सारा जो भी रिसोर्स कलेक्टिंग और बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाला गाइज ये पार्ट है वो, ठीक है, लेट्स गो बॉयज। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We'd hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. मेरे हिसाब से गाइस मैंने जितना भी सामान घर बनाने के लिए चाहिए होता है वो सारा का सारा अभी इकट्ठा तो कर लिया है ऐसा मेरे को लग रहा है गाइस, ठीक है। जितना भी सामान चाहिए था वो सारा मेरे पास अभी आ चुका है, और इसकी मदद से मैं घर जो है ना गाइस खूबसूरत सा वो इजीली बना सकता हूँ। लेकिन जो ना गाइस घर हम लोग भाई अगले एपिसोड में बनाएंगे, आज जो ना गाइस मैं अभी टेमिंग के लिए चला जाता हूँ। यस गाइस तुम्हारा भाई अभी सीधा जाके टेमिंग चालू कर देगा। रुको मेरे को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सामान भाई यहाँ पर लेने दो, क्योंकि मुझे कुछ और चीजें जो है ना गाइस जो यहाँ पे बनानी है भाई, ठीक है। तो उसके लिए मुझे भाई ये बड़े बड़े भाई पत्थर, मुझे लगा था भाई काफी कम टाइम लगेगा इनको, मतलब नहीं काफी ज्यादा रिसोर्सेज देंगे ऐसा मेरे को लगा था, लेकिन तो काफी ज्यादा जल्दी टूट रहे यार। चलो मैं थोड़े क्रिस्टल भी इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि इन्हीं क्रिस्टल की मदद से हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे सोल बॉल्स वगैरह और दूसरी जो चीजें है गाइस वो बना पाएंगे, ठीक है भाई। ये पत्थर टूटने में बहुत टाइम लग रहा है। चलो कोई ना भाई, यहाँ से क्रिस्टल जो है गाइस वो तो हम लोग को काफी ज्यादा मात्रा में मिल चुका है, ओके। वुड भी गाइस हम लोग को काफी ज्यादा मात्रा में मिल गए हैं, और थैच वगैरह और दूसरी चीजें भी मैंने काफी ज्यादा इकट्ठा कर लिया। रुको मुझे क्रॉप लोड कम से कम 20 तो बनाने हैं बराबर, तो मैं क्रॉप लोड बनाता हूँ, उसके बाद गाइस हम लोग निकल लेते हैं सीधा यहाँ पे टेमिंग के लिए, ठीक है। क्रॉप लोड भाई क्रॉप लोड बना लो, क्योंकि भाई छत के ऊपर हमेशा की तरह हम लोग ना फाइबर चाहिए ना। रुको गाइस क्रॉप लोड के लिए भर भर के फाइबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे फाइबर इकट्ठा कर लेता हूँ। मुझे फाइबर जो ना गाइस वो काफी सारा चाहिए होगा, यहाँ पे कितना हो गया है 400, मेरे हिसाब से 200 फाइबर से जो है ना गाइस यहाँ पे एक क्रॉप लोड बन जाता है, ठीक है। और मेरे को ऐसे भाई 20 या 25 टोटल क्रॉप लोड बनाने ताकि मैं खेती बाड़ी जो है ना गाइस वो कर सकूँ इस वाले मॉड में। और इस मॉड में जो है ना गाइस मैं आगे जाके और कोई खतरनाक से मॉड अगर ऐड हुए ना, अगर स्टीम पे है तो वो भी डाल दूंगा,
ताकि सीरीज और भी ज़्यादा खतरनाक वाली बन सके। वैसे यहाँ पे ओ वहाँ पे मेटल भी दिख रहा है थोड़ा सा, इतने से काम बच जाएगा कि क्रॉपलोड भाई 20 बना लो, ज़्यादा नहीं भाई 20-30 बन रहे भाई। अरे काम 25 है ब्रो, 20 बना ले बस, काम हो गया अपना। चलो डन डना डन डन, मैंने 20 क्रॉपलोड जो है गाइस वो यहाँ पे बना लिया है, एंड यहाँ से थोड़ा सा मेटल वगैरह जो है गाइस वो भी इकट्ठा कर लिया है। मुझे अभी कौन से डायनो को टेम करना है पता है? मुझे जाके टेम कर लेना ऐसा डायनो जो मुझे बेरी इकट्ठा करके दे सके बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? तो मैं ऐसे डायनो को भी ढूंढने के लिए जाने वाला हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैकअप के लिए स्टोन वगैरह जो है ना वो यहाँ से ले लेता हूँ लगभग 10,000 तक, क्योंकि ये स्टोन क्रॉपलोड बनाने में चला गया पूरा। ये सारा रिसोर्स मैं घर पे जाके रख देता हूँ उनको। चलो ऑलराइट भाई, मेरे हिसाब से इतने से गाइस हमारा घर जो है ना गाइस वो अगले एपिसोड में एकदम खूबसूरत वाला बन ही जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रुको यहाँ पे ये लो, जो घर बनाने की चीज़ें हैं वो बस भाई यहाँ पे मेरे इन्वेंटरी में रहनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वुड, काफ़ी ज़्यादा थैच और दूसरी चीज़ें भी हैं। अब मैंने 4G नहीं लगाया ना यार, ये तो गलती कर दिया यार मैंने, 4G नहीं लगाया, मेरे को 4G लगाना था एक्चुअली में, ताकि ना यहाँ पे हमारा मेटल वगैरह जो है जो पिघल सके। मेटल तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेके आया हूँ, उनको वुड डालना पड़ेगा ना इसमें। ये ले 5000 वुड डाल देता हूँ ताकि स्मिथी वगैरह जो है ना गाइस वो इसी मेटल से हम लोग बनाएंगे भाई, ठीक है? अब एक मैं बना लेता हूँ गाइस बोला। ओके क्लब तो मेरे पास पहले से ही मेरे पास आ गया है बोला भाई, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ गाइस ढूंढने के लिए ऐसा डायनो जो मुझे बेरी दे सके। मशॉप दो था अभी, मिनी टाइटन क्लब से नॉकआउट नहीं होगा ना गाइस? मैं मिनी टाइटन को टेम करने की सोच रहा हूँ बट वो क्लब से नॉकआउट नहीं हो पाएगा। चलो कोई ना गाइस, नो प्रॉब्लम, उसको टेम नहीं करेंगे, किसी और को करते हैं भाई। इसको मारना भाई, भाई मर नहीं रहा तेरे से, व्हाट इज दिस बिहेवियर? भाग रहा भाई, भाग रहा, भाग रहा, भाग रहा, भाग रहा, भाग रहा, भाग रहा थे चुम्मी। नाइस वन, जी जी। चलो ऐसा कोई तो डायनो दिखाई नहीं दे रहा अभी फिलहाल के लिए। शायद से गाइस मुझे टाइटन को ही टेम करना चाहिए क्या? क्या बोलती पब्लिक भाई? एपिसोड नंबर 1 पे गाइस हम लोग टाइटन को टेम कर देंगे, मजा आ जाएगा भाई। मेरे को देखने दो कि मैं जो है ना वो ये कौन सा जेरबुआ है जारेबस का, इसका नाम तो अलग ही है, बड़े नॉकआउट टेम है यार वो। नॉकआउट भाई टेम अभी मैं भाई तेरे को कर नहीं सकता भाई, ठीक है? नॉकआउट टेम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टॉर्पोर देने वाली कोई भी चीज़ नहीं है गाइस। मुझे पहले डायनो ही टेम करना पड़ेगा। मैं ना भाई काम करूँगा, मैं टाइटन भी टेम करूँगा, ठीक है? अगले एपिसोड में घर बनाने का काम खत्म होने के बाद ना हम लोग टाइटन टेम कर देंगे भाई, ठीक है? पहले अभी मुझे ना यहाँ पे कोई डायनो ढूंढने दो। अबे यार कितने जेरबुआ मिल रहे यहाँ पे, एक और है भाई सेम वही जेरबुआ है। 12,000 टॉर्पोर, इग्वांडोन वो कितना टॉर्पोर है? इग्वांडोन काफ़ी तगड़ी 18,000 यार भाई। स्पेयर भी रह गया कुछ भाई ट्रैंक वाला? ना भाई ट्रैंक वाली एरोज ही है डायरेक्टली, क्योंकि स्पॉयल मिट से एंड काफ़ी सारे नार्को बेरी से बनेगी। अबे भाई रुको, मगो भाई स्पॉयल मिट का जुगाड़ हो गया। चलो गाइज चलो अच्छी बात है, स्पॉइल मिट तो मिल गया, वो हम लोग को बनाना नहीं पड़ेगा। हमारे सामने एक वल्चर है जिसको मार के हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल मिट का जुगाड़ इजीली कर सकते हैं, ठीक है? ए रुक जा भाई, वल्चर वल्चर वाह वल्चर वाह, कम टू डैडी ब्रो, कम टू डैडी। इधर आ तेरी वेस्ट क्या, नाइस वन 180 गाइज ओनली 180 ओनली मिला है मेरे को, ठीक है? ये बल्ब डॉग क्या मेरे को भाई, ये बल्ब डॉग बेरीज इकट्ठा करके नहीं देगा ना यार, ये तो मेरे कंधे पे बैठेगा, चलो इसको खा ही जाता हूँ मैं मिड के लिए। भाई रुको, सच में कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे भाई, छोटे छोटे मिनी टाइटन्स ही दिख रहे हैं ओनली। ओ पैरासोरस फाइनली दिख गया, नॉर्मल वर्जन हो, कोई पावरफुल सा वेरियंट ना हो जिसका टॉर्पोर एकदम तगड़ा वाला है, क्योंकि मैं उसको टॉर्पोर दे के टेम नहीं कर पाऊँगा फिर। कितना है ये पैरासोरस 100 लेवल पैसिव टेम, ठीक है? काम हो जाएगा। चलो गाइज हम लोग इससे काफ़ी ज़्यादा बेरीज इकट्ठा कर पाएंगे, ये भी 100 और अच्छा दोनों 100 ही है। कलर जिसका अच्छा होगा उसी को टेम कर लेता हूँ उनको मैं, भले इसको मार खलास। ओके इसमें से उसको टेम कर लेता हूँ उनको। अच्छा पैसिव टेम है ना ये, क्यों निकाला मैंने, बेसिक केबल खिला देता हूँ इसको रुको। मेडल नहीं है मेरे पास, मैन और इस वाले नहीं क्या प्रो तेरी बेस क्या भाई, नहीं मारना। अबे यार मत मार मत मार मत, तेरी बेस क्या निकल
टायरोसोरस एक मुश्किल से मिला है, उसी को उसको भी मारने के लिए जा रहा है वो। रुको गाइस, मुझे यहाँ पे मेटल वगैरह जो है ना वो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेटल के बिना हम लोग बना नहीं पाएंगे जो हम लोग को केबल वगैरह चाहिए। बेरी से होगा क्या? भाई दो में जो बेरी से तो टेम हो रहा भाई, क्यों इतना कंजूसी करना। ये ले भाई, भाई एक ही से टेम हो गया, चलो काम 25 हो गया। गाइस हमारे पास अभी बेरी कलेक्ट करने वाला एक डायनो भी आ चुका है, जिसकी मदद से हम लोग अगले एपिसोड में इजीली यहाँ पे भाई बेरीज इकट्ठा करके वो बना पाएंगे अपना तगड़े वाले ट्रैंक एरोज भाई, ठीक है। और उसकी मदद से फिर हम लोग जाके ना टाइटन को टेम करेंगे। वैसे अगले एपिसोड में हम लोग घर भी बनाने वाले, तो अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और गाइस अभी फाइनली हमारा ये वाला आज का जो एपिसोड है ना, रुको केरेटिन इकट्ठा करता हूँ ना भाई, केरेटिन इकट्ठा करूंगा मैं। ये लो डंडन, हाँ डंडन ऑर्गेनिक पॉलीमर। उस पॉइल मीट मुझे काफी ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, वल्चर बहुत खतरनाक है, ये राइडर को उड़ा देगा बेटा। आर्मर नहीं है मेरे पास, संभल के थोड़ा संभल के भाई, संभल के ब्रो, कहना राइडर को उड़ा देते भाई ये लोग। नाइस वन, कितना मिल गया 180 भाई, और स्पॉइल मीट मिल गया। इधर आ भाई, तू भी दे दे मेरे को केरेटिन भाई। कोई फ्लायर वगैरह पीडी वगैरह टेम कर लिया तो गाइस हमारे पास केरेटिन भी आ चुका है भाई, मजे ही मजे। यहाँ पे एक और टाइटन है गाइस, ये लो ऑर्गेनिक पॉलीमर, सब कुछ मिल गया, केरेटिन ऑर्गेनिक पॉलीमर, बस एक टेक वाला डायनो मिल जाए तो मैं भाई टेलीपोर्टर वगैरह सब बना पाऊंगा भाई, ठीक है। देखते चला भी वो मिल पाता है कि नहीं, लेट्स गो। सो गाइस आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क ड्रैगन हंटर सीजन 3 का, वो गाइस यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में पहले हम लोग घर बनाएंगे, उसके बाद जाके एरो वगैरह बना के हम लोग टेम करने के लिए निकल लेंगे गाइस हमारे टाइटन को गाइस, ठीक है। सो अगला एपिसोड जो होगा वो बिल्कुल मिस नहीं करना, एंड अगर आज का एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं सीधा गाइस सबसे अगले एपिसोड में गाइस आर्क ड्रैगन हंटर सीजन 3 के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं सीधा अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस।